फिल्मी पुराण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2019 की हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्मों के बारे में। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है सुपर 30, जो कि रिलीज हुई थी जुलाई 2019 में। इसके डायरेक्टर थे विकास बहल। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे ऋतिक रोशन। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था अजय अतुल ने। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 208 करोड़ की कमाई की, जिसमें 172 करोड़ इंडिया से और 36 करोड़ ओवरसीज से। नंबर 9 पर है छिछोरे। फिल्म आई थी सितंबर में। फिल्म डायरेक्ट की दंगल फेम डायरेक्टर नितेश तिवारी ने। फिल्म में मेन एक्टर्स थे सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 215 करोड़ रुपए कमाए। नंबर 8 जाता है टोटल धमाल को। फिल्म रिलीज हुई थी फरवरी में। डायरेक्टर थे इंद्र कुमार। फिल्म उतनी कुछ खास न होते हुए भी फिल्म के एक्टर्स और धमाल फ्रेंचाइजी के दम पर फिल्म ने 228 करोड़ का बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 7 पर है केसरी। केसरी फिल्म आई थी 21 मार्च को। फिल्म के डायरेक्टर थे अनुराग सिंह। इस फिल्म में मेन एक्टर अक्षय कुमार ने हवलदार ईश्वर सिंह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 207 करोड़ कमाए। नंबर 6 पर है मिशन मंगल, जो रिलीज हुई थी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर। डायरेक्टर थे जगन शक्ति। फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी और तनशिक बागची ने कंपोज किया था। फिल्म में अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू की प्रमुख भूमिकाएं थी। इस फिल्म ने 279 करोड़ की कमाई की। नंबर 5 जाता है हाउसफुल 4 को। यह फिल्म दिवाली के समय पर रिलीज हुई थी। मीटू मूवमेंट के तहत साजिद खान पर लगे आरोपों की वजह से उनको फिल्म बीच में ही छोड़नी पड़ी थी और नाना पाटेकर को भी फिल्म से बाहर निकाल दिया गया था। साजिद खान के बाहर जाने के बाद फिल्म को डायरेक्ट किया फराज समझी ने। फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म को बुरा ही रिव्यू दिया, लेकिन दिवाली टाइम, हाउसफुल 4 फ्रेंचाइज और अक्षय जैसे सुपरस्टार की वजह से फिल्म हिट साबित हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ का बिजनेस किया। नंबर 4 पर है सलमान खान की भारत। साउथ कोरिया की 2014 की फिल्म ओड टू माई फादर की ऑफिशियल रीमेक है, जिसे डायरेक्ट किया अली अब्बाद जफर ने, जिन्होंने इससे पहले सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में डायरेक्ट की। इस फिल्म का बजट था 100 करोड़ और कमाए 325 करोड़। नंबर 3 पर है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। फिल्म रिलीज हुई थी 11 जनवरी 2019 को। फिल्म के डायरेक्टर थे आदित्य धर। फिल्म को प्रोड्यूस किया रॉनी स्क्रूवाला ने। इस फिल्म ने 4 नेशनल अवार्ड जीते। विकी कौशल को बेस्ट एक्टर और आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला। इस फिल्म ने 342 करोड़ का बिजनेस किया था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। नंबर 2 पर है कबीर सिंह। महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार फिल्म में दिखाने पर और इस तरह का महिलाओं के प्रति इस तरह का बर्ताव समाज को गलत संदेश देता है, इन मुद्दों के इर्द गिर्द कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। विवादों के चलते भी इस फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई करते हुए 380 करोड़ का बिजनेस किया और साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। 2019 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई, जो कि इस लिस्ट में एक नंबर पर है, जो है वॉर। रिलीज हुई थी 2 अक्टूबर को। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी, फिल्म का एक्शन, इन दोनों का डांस फेस ऑफ इस फिल्म का प्रमुख आकर्षण था। फिल्म को एवरेज रिव्यू मिलने के बावजूद फिल्म सुपरहिट साबित हुई और 474 करोड़ का बिजनेस किया। तो ये था सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों पर हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।